नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा सिंह, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। चुनाव होने वाला, क्या चाहते हैं, किस तरह का बदलाव देखना चाहते हैं? क्या बताएं सर, बिहार में मुख्यमंत्री के लिए कोई ऐसा चेहरा ही नहीं दिखता है जो पूरे बिहार के बारे में सोचे। बहुत सी स्टेट लेवल की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जो उनके नेता लोग हैं, बड़े बड़े नेता जो अपने आप को मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अपने आप को दर्शा रहे हैं, लेकिन उनमें किसी में उतना दम नहीं है जो पूरे बिहार के बारे में सोचे। कोई भी मुख्यमंत्री बनता है तो सिर्फ अपने एक के बारे में सोचता है, और कोई भी संवैधानिक कुर्सी है तो आप जान लीजिए कि वो जनता की कुर्सी है, वो संवैधानिक कुर्सी है। उस कुर्सी पर जनता चुन के बैठाती है कि उस पर जो भी बैठे वो राष्ट्र की, जनता की सेवा करे। लेकिन बहुत कुछ फर्क पड़ गया है। मुझे तो नहीं लग रहा है कि बिहार में कोई ऐसा मुख्यमंत्री का चेहरा है जो नरेंद्र मोदी जी की तरह हो, जो मोदी जी पूरे देश के बारे में सोचते हैं, पूरे देश के बारे में करते हैं। वैसे जो भी हमारे बिहार में मुख्यमंत्री बने उनको भी चाहिए कि पूरे बिहार के बारे में सोचें। अभी ऐसे बहुत सारे ये बेल्ट्रान के एम्प्लॉई हैं जिनका तीन तीन साल, साढ़े तीन तीन साल हो गया, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब में 3 साल में ट्रांसफ़र हो जाता है। बेल्ट्रान वालों को एक तो पेमेंट कम मिलता है, ऊपर से 3.5-3 साल हो गया उन लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है। सब लोग दुखी हैं, सरकार से भी, अपने कंपनी से भी, और क्या बताएं आपको, इतना टेंशन हो गया है पूरे राज्य में कि एक, मतलब 4 लोगों का काम एक एम्प्लॉय कर रहा है, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप देख लीजिए उठा के। बिहार में कोई चेहरा नहीं, नीतीश जी हैं, इसके अलावा नीतीश कुमार जी तो पिछले 15 साल से हैं ना, आज तो नीतीश जी आए नहीं है। पिछले 15 साल में काफ़ी उन्होंने व्यवस्था ठीक किया, सड़कें ठीक हो गई, जो लाइट का व्यवस्था है वो ठीक हो गया, लेकिन आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं हुआ। अभी तो बिहार में कोई चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है जो कम से कम नीतीश जी की तरह भी काम करने के लिए कोई चेहरा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। और नहीं, हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा आए जो अगर नीतीश जी 50% है तो 100% करे। यही तो विडंबना है बिहार की, किसको चुने हम? लालू यादव जी को भी, उनके परिवार को भी 15 साल देख लिए, नीतीश कुमार जी को भी 15 साल देख लिए, कोई ऐसा चेहरा दिख ही नहीं रहा है जिसको मतलब हम लोग खुल के, दिल खोल के सपोर्ट करें कि नहीं हमारा नेता यही हो। अब विधानसभा चुनाव में जी नोटा इस बार कई जगह पर दूसरे नंबर पर या कई जगह पर तीसरे नंबर पर, तो क्या इसी स्थिति बिहार में हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि देखिए मुंबई जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र भारत की आर्थिक राजधानी है। वहाँ जो भी नेता बने हैं, जैसे बाला साहब ठाकरे पूजनीय है हम लोगों के, पूरे देश के पूजनीय अगर माने एक तरह से, तो बाला साहब ठाकरे का जो पार्टी उन्होंने बनाई, जो शिवसेना, तो उन्होंने महाराष्ट्र के लिए किया कुछ, महाराष्ट्र को या जो भी वहाँ नेता हैं, राजे साहब ठाकरे भी मराठों के लिए हमेशा लड़ते आए हैं, तो मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी बनाया गया। अगर आज मुंबई जरा सा भी अगर खतरे में हो तो पूरा देश हिल जाएगा। हमारे बिहार में ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं, हमारे हिसाब से तो कोई पार्टी अभी दिखाई नहीं दे रही कि हम चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी का सिंबल लेंगे, क्योंकि देखिए अभी पार्टी का सिंबल लेने के लिए भी क्या है कि बहुत पैसा चाहिए। एक तो आप प्रचार प्रसार में पैसा खर्चा करेंगे, उसके बाद टिकट खरीदने के लिए भी पैसे लगते हैं, आजकल सुनने में आया था। नहीं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सुनने में आया है, रोज न्यूज पे देखने को मिलता है, अखबार में देखने को मिलता है कि अब ये कैसे आपको बता दें कौन सी पार्टी पैसा देती है। सच्चाई सब लोग, पूरा देश सच्चाई जानता है, लेकिन सब लोग सच्चाई को छुपा के चलते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में मीडिया के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो सच्चाई से वाकिफ नहीं है, लेकिन वो लोग भी कभी सच्चाई नहीं दिखाते हैं। सबसे पहले हम बताए ना आपको, शिक्षा, स्वास्थ्य और क्या बताएं आपसे, आप कभी घूम के देखिए भोरे विधानसभा क्षेत्र को कि क्या क्या कमियां हैं यहाँ पर। रोड नहीं है, कई जगह सड़कें नहीं है, यहाँ शिक्षा सबसे बदतर स्थिति में है। महाविद्यालय है, आप वहाँ जाइए, एक हाई स्कूल में आप जाइए ना, हाई स्कूल को देखेंगे तो लगेगा कि हाई स्कूल है, वो तो लगेगा कहीं किसी जमाने के किसी राजा का गाय भैंस बांधने वाला कुछ था, जो अब छोड़ दिए गए हैं। तो कभी किसी को समझ में आता तो चूना पेंट कर देता है, किसी को समझ में आता तो नहीं करता है। कोई अगर कुछ बन भी गया वहाँ पे, सरकार पैसा दे दी, अगर कुछ बन गया तो उसका भी न रखाव, मतलब सिस्टम नहीं है। जो भी सिस्टम, अब सब आपको एक और बात बता रहे हैं कि मेरे दादाजी
मेरी 8 कट्ठा मतलब अपना जमीन हम लोग गवर्नमेंट को दिए थे संस्कृत विद्यालय खोलने के लिए। संस्कृत विद्यालय खुला लगभग 35 साल से ज़्यादा हो गया, आज तक वो स्कूल मंजूर नहीं हुआ, उसमें इतने साल से टीचर लोग पढ़ाते हैं। तो क्या बताएं आपको, किसके बारे में नीतीश जी सोचते हैं, किसके बारे में कौन सरकार सोचती है, कुछ समझ में आता नहीं है। नीतीश जी सड़कों का व्यवस्था अच्छा कि जितना बनाए हैं, गुंडागर्दी खत्म हो गया है बिहार से, बहुत मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ लेकिन काफ़ी हद तक नीतीश जी ने मेहनत किया, खत्म कर दिया, लेकिन रोजगार नहीं है बिहार में। फिल्म इंडस्ट्री क्या बताएं, ठीक ही है, मार्केट है डाउन है, लेकिन क्या है कि देखिए डिजिटल का मार्केट अभी अप है। पहले फिल्में बनती थी कि दिनेश जी की फिल्में बिहार में 1-1 करोड़ में MG में जाती थी, 80-80 लाख 1-1 करोड़ में दिनेश जी की फिल्में, खेसारी जी की फिल्में, पवन जी की फिल्में इतने महंगे महंगे MG में जाती थी। अभी क्या है कि लोग बिहार की टेरेटरी के ऊपर पहले फिल्म बनाते थे कि बिहार टेरेटरी से हमें इतना आएगा, मुंबई टेरेटरी से इतना आएगा तो हमारा रिकवरी हो जाएगा, बाकी टेरेटरी से जो आएगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अभी क्या है कि ये जो टेरेटरी है ना बंद हो गया है, बंद एक तरह से बंद नहीं हुआ, आपको क्या बताएं कि स्थिति खराब है, जर्जर स्थिति है। तो अभी ऑडियो वीडियो सेटेलाइट जो डिजिटल मार्केट है, तो अभी जो भी प्रोड्यूसर फिल्म बना रहे हैं तो वो डिजिटल को देख के बना रहे हैं कि हमारा डिजिटल कितना जाएगा, डिजिटल से अगर हमारा इतना आ जाता है तो बाकी टेरिटरी से अगर मुझे थोड़ा आ गया तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा, नहीं तो लॉस लॉस लॉस। तो हीरो लोगों का मार्केट कैसे डाउन होगा आप बताइए ना, अगर एक प्रोड्यूसर अगर फिल्म बना के फ्लॉप होता है, नुकसान में जाता है, तो 20 प्रोड्यूसर बोरा में पैसा भर भर के, गोनी में पैसे भर भर के वहाँ पे बैठे रहते हैं कि मुझे साइन करना है, मुझे साइन करना है, मुझे साइन करना है। और किसी को भोजपुरी में देखिए बहुत ज़्यादा, अभी फिल्में उठा के देखिए ना, बहुत कुछ फिल्में हैं जो लायक हैं, बाकी फिल्में आप उठा के देखिए कैसी कैसी भोजपुरी में फिल्में बन रही हैं। देखिए पतन का कारण कोई और नहीं होता है, अगर हम पतन मेरा पतन होता है तो अपने पतन का कारण मैं खोदूँ, वैसे ही भोजपुरी इंडस्ट्री अगर पतन की तरफ जा रही है तो उसका कारण भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग ही हैं। यही कारण है कि अभी दूर हो गए, दूर नहीं हुए हैं, हम बताएं आपको कि रोजी रोटी हमारी वही है, हाँ थोड़ी सी दूरी बना ली है कि कुछ ऐसा सिस्टम है कुछ जो नहीं सब, जिस जो मेरे दिल को भाता नहीं है, दूरी इतना बना दी सिस्टम से इतना कपा हो कि खुद की इंडस्ट्री बिहार में बसाने लगी। नहीं 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 इंडस्ट्री बसाने की मेरी हैसियत नहीं है, कोशिश है, कोशिश तो इतनी है कि मैं बदल दूं, सब कुछ बदल दूं, और शुरुआत हो भी चुकी है, कोशिश है और अंत अंत तक कोशिश रहेगी। देखिए 200 साल जीना नहीं है, आज के ज़माने में जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से 60-70 साल बहुत हो गया आदमी के लिए, मान ली 29-30 साल गुजर ही गया है, कितना और बचा है, बहुत काम करेंगे 20-25 साल और काम करेंगे, 30 साल काम करेंगे, उसके बाद तो सबको भगवान के यहाँ जाना है। सारे पुराने सुपरस्टार्स को बुलाकर नए स्टार पैदा करने हैं। नहीं नहीं ऐसा मैं पैदा नहीं कर सकता हूँ किसी को भी, मेरी नहीं, मेरी कोशिश है कि जिनमें गुण है, जो गुणवान लोग हैं, जिनमें क्षमता है आगे बढ़ने की, जो मेहनत करते हैं उन्हें आगे बढ़ने का हक है, और मैं देखता हूँ कि जिन जो मेहनती लोग हैं अगर मेरे सपोर्ट से आगे बढ़ते हैं तो मैं पूरा दिल खोल के सपोर्ट करता हूँ। नहीं क्यों नाराज होंगे, पुराने वाले उनकी जो कुर्सी है उस अपनी कुर्सी पे विराजमान है, अब उनको कौन हिला सकता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप बोले कि अमिताभ बच्चन अब स्टार बनेंगे, अब अमिताभ बच्चन कौन से स्टार बनेंगे, अमिताभ बच्चन साहब जिस कुर्सी पे बैठ गए हैं उस कुर्सी पे बैठने के लिए आज के ज़माने के हीरो लोगों को 1,00,000 बार सोचना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा, उससे बड़े स्टार अमिताभ बच्चन जी क्या बनेंगे। आज मोदी जी जो पॉपुलर नेता हैं उनसे ज़्यादा वो पॉपुलर क्या बनेंगे, वो लोग अपनी कुर्सी पे विराजमान है जो पुराने हीरो हैं, अब उनको कोई हिला नहीं सकता, वो डगमगा नहीं सकते हैं। कुछ नहीं बस समाज सेवा और बस अपना सिनेमा की राइटिंग चल रही है। एक तो 9mm पिस्टल रिलीज होने वाला है, एक पंगेबाज रिलीज होने वाली है और बाकी राइटिंग चल रहा है, जल्दी जल्दी सोच रहे हैं कुछ अच्छा हो तो आए मुंबई, एक हिंदी फिल्म की तैयारी में लगा हूँ, राइटिंग चल रही है उसकी, अब कंप्लीट हो जाता है तो आएंगे मुंबई जल्दी। अपने दर्शकों से क्या कहना कहेंगे, बस हाथ जोड़ के सब लोगों से विनती है कि बस आप सब लोगों का छोटा भाई हूँ, बेटा हूँ, आशीर्वाद बनाए रखिए कि मैं भी जिस कोशिश में लगा हूँ, जिस संघर्ष में लगा हूँ, मेरा संघर्ष पूरा हो, मेरी कोशिश पूरी हो और जैसा मैं समाज चाहता हूँ वैसा समाज बन जाए।